अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। दोस्तों अभी बारिश होकर हटी है और आज हमने मुर्गियों को भी दाना डाला है। मुर्गियाँ दाना खा रही हैं, ठीक है, ये दाना खा रहे हैं। फिर हम इसके बाद कबूतर को भी खोलेंगे। ये हमारा छोटा सा सील चूज़ है, ये ब्लैक वाली मुर्गी है, ये सिल्वर मुर्गी छोटी सी, और इनको भी हमने दाना डाला है। पानी भी ताज़ा भरा है। ये अभी बारिश में फिर रहे थे, बारिश अभी छिटकी है। अभी उसके बाद कबूतरों को भी खोलते हैं, उनको भी दाना डालते हैं। मैंने कहा आज पहले इनको डाल दें, इनको काफ़ी भूख लगी हुई थी, थोड़ा सा काम कर रहे थे, आज लेट हो गए हैं। अभी डालते हैं, डाला है इनको बाजरा। ये पेट भर लें, फिर कबूतरों को भी देते हैं। अच्छा, जिस तरह अभी सितंबर आगे आ रहा है, अगस्त के ये 5-7 दिन रह गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इनको देनी है अंडों वाली फीड और गोश्त वाली फीड। पहले हम स्टार्ट करेंगे गोश्त वाली फीड, ताकि इनके अंदर थोड़ी सी जान आए, होश में आए, ये मरगल मरगल से लग रहे हैं। फिर इनको गोश्त वाली देंगे, फिर अंडों वाली फीड देंगे। ये सितंबर पूरा देंगे गोश्त वाली फीड, फिर जो अक्टूबर से हम फिर इनको कर देंगे अंडों वाली फीड स्टार्ट। खाएं, होश में आए। देखें, ये और मुर्गियाँ भी आ गई हैं, दो वो रही एक ये। अच्छा, ये आपस में लड़ती बहुत हैं, दाना खाना हो तब भी, ऐसे फिर रही हो तब भी, यानी कि ये है कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। ये बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा। अभी देखें जिस तरह उनका अपना ग्रुप बना हुआ है, वो सामने जा रहे हैं। इन तीनों का अपना बना हुआ है, छोटे तीन हैं उनका अपना बना हुआ है, यानी कि ग्रुप बने हुए हैं, आपस में बनती नहीं है, लड़ते बहुत हैं। भूख तो सबको लगी हुई है, लेकिन कुछ ये जो बड़े हैं ये छोटों को भी खाने नहीं देंगे जब तक इनका खुद का पेट नहीं भर जाता। जब इनका पेट भर जाएगा, इन्होंने खुद ही साइड पर चले जाना, फिर बाकियों की बारी आएगी। इसलिए मैंने कहा आज पहले इनको डाल लें। एक ये देखें थोड़ा सा गिरा हुआ नीचे, ये खा रहा है, ये देखें। और ये जो ये वाला चूज़ा है और ये वाला चूज़ा, ये हमने घर बच्चे निकलवाए थे मुर्गी के नीचे अंडे रख के, और जो वो दो घूम रहे हैं सामने, और ये तीसरा है वाइट, लेकिन हमने लिए थे बाज़ार से छोटे ईद पे। ये जब लिए थे ये ब्लैक जो खड़ा है, इस जितने थे मैं छोटे थे, अब ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो सर्दियों तक ये भी अंडे देना स्टार्ट कर देंगे। और ये यहाँ फौज लगी हुई है खाने। ये बारिश में नहाया है, इसमें इकट्ठा इकट्ठा हुआ है, इस तरह इसको सर्दी लग रही है। ये देखें किस तरह जा रहा है इकट्ठा होकर, बारिश में खड़ा रहा है, नहाता रहा, अभी इसको सर्दी लगना शुरू हो गई। देखें किस तरह इकट्ठा हुआ है, सुस्त हुआ है थोड़ा सा इसको। अब अगर आपको डाउट हो ना कि आपका चूज़ा या मुर्गी है, इस तरह डाउट हो रहा है कि ये यानी कि थोड़ा ढीला है, जिस तरह मुझे अब ये लग रहा है कि थोड़ा सुस्त हो गया है, यानी इस तरह बाकी भाग दौड़ रहे हैं, ये नहीं कर रहा, मतलब कि इकट्ठा इकट्ठा फिर रहा है, सुस्त है थोड़ा सा, तो इसको ऐसे करें कि 10 cc आपने पैनाडोल का सिरप दे देना है इसको। बड़ी हो तो 10 cc, जिस तरह भी छोटा है जिसको 5 cc दे देंगे। और इसको बड़ी अगर मुर्गी हो उसको 10 cc दे दें, 20 cc दे दें, लेकिन छोटा है ये चूज़ा है जिस तरह, तो इसको 5 cc दे देंगे, ताकि इसको कोई अगर इन्फेक्शन वगैरह है, कोई मसला है, तो ये ठीक हो जाएगा। और सर्दियाँ जिस तरह आगे आ रही है, मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि आपने कहवा तैयार करना है, जिसमें
आपने क्या करना है कि लीटर या आधा लीटर पानी लेना है, उसमें आपने 5 दाने अजवाइन के, उसके बाद छोटी इलायची 5 दाने, बड़ी इलायची 5 दाने, लौंग 5 दाने और काली मिर्चें, इसको आपने अच्छी तरह पका लेना है कि अगर 1 लीटर पानी है तो आधा लीटर उड़ जाए, आधा लीटर रह जाए, यानी कि पानी इतना पकाना है कि पानी का कलर ब्लैक हो जाए, काला, इतना पानी आपने पका लेना है। तो सर्दियों में आपने अपनी मुर्गियों को, चूज़ों को, कबूतर वगैरह हैं या कोई और परिंदा है तो उसको पिलाना है, इससे यह है कि इनको सर्दी नहीं लगेगी, क्योंकि वो पानी होगा वो गर्म होगा, उसकी तासीर गर्म होगी पानी की, तो वो आपने पिलाना है इनको, इससे ये फ्रेश रहेंगे, सर्दी से बचे रहेंगे, नज़ला ज़ुकाम है जिसम की थकावट जो है परिंदों को जो होती है वो नहीं होगी। ये एक फार्मूला जो मैंने आपको बताया है, तो इससे आपके परिंदे खुश रहेंगे, कोई मसला नहीं होगा आपके परिंदों को। इस तरह मुझे इस पर डाउट लग रहा था, तो मैं पिलाऊंगा इसको शाम को, मगरब से थोड़ा सा पहले इसको पिला दूंगा 5 सीसी पकड़ के। तो डाउट तो है, लेकिन अभी डाउट ख़त्म भी करना है। ये इसको या वैसी सर्दी लगी या वैसी इकट्ठा तो हुआ पड़ा, लेकिन इसको पिलाना लाजमी है, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते। ये भी एक जान है, ज़ाया होगी तो होगी, लेकिन ये है कि देखेंगे। मुर्गियाँ और मुर्गा खाना खा के चले गए, अब बारी आ गई छोटों की, तो अब ये खाना खाएंगे। इस तरह आपको बताया था कि जिसका पेट भरता जाएगा वो साइड पे जाता जाएगा, नए आते जाएंगे, खाते जाएंगे, यही हिसाब हो रहा है। अब वो खाना खा रही है, वो जा रहा है, एक वो चली गई आगे, तो बाकी ये आ गए इकट्ठे होकर दोबारा, अब इनकी बारी, ये खाएंगे। तो अभी मैं इनको इसमें डाल दें थोड़ा सा दाना और, अभी कबूतरों को भी खोलता हूँ। तो अभी कबूतरों को भी खोल दी है, ये भी दाना खाएंगे। ये देखिए किस तरह पर मार रहे हैं, इनमें से कुछ के दो जोड़ों के बच्चे हैं, बाकी ऐसे ही हैं, फिर रहे हैं, पर काट रही हैं इनके। सर्दियों में भी इनको उड़ाया था। इनको हम अभी डाल रहे हैं बाजरा, गंदम और चने। इस तरह ये खा रहे हैं अभी, ये पहले गिरा हुआ है, मुर्गियों ने जो गिराया है वो खा लें, फिर बाद में इनको भी डालते हैं। देखिए कुछ बाजरा ना नीचे गिर गया था, अब ये खा रहे हैं, फिर अभी इनको और भी देंगे, पहले ये वाला ख़त्म कर लें। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल मोनेटाइज करवाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।